खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, केएनएन मीडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों ऐसा सियासी घमासान मचा है कि आप भरोसा ही नहीं कर सकते। पलक झपकते ही पार्टियों के समीकरण बदल रहे हैं, पलक झपकते ही नेताओं के बयान बदल रहे हैं। इन दिनों जननायक जनता पार्टी की कुछ दिनों से लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि दुष्यंत अकेले ही उप मुख्यमंत्री बने और अनूप धानक के बाद उन्होंने किसी को मंत्री नहीं बनाया है, बल्कि इसलिए भी है कि काफ़ी सारे काम जो है उनके, जो भी विधायक चुन के आए हैं उनके काम नहीं हो रहे हैं, उनके क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वो जनता उन विधायकों के कपड़े उतार रही है और वो कपड़े उतरते हैं तो वो विधायक भी अब खुलकर सामने आने लगे हैं। इसी विषय पर आज एनालिसिस करेंगे और राजनीतिक चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ प्रमोद शर्मा जी। सर, जननायक जनता पार्टी को लेके हालात कुछ सामान्य नहीं है, ऐसे में क्या देखते हैं कि क्या लॉन्ग टर्म बीजेपी के साथ जेजेपी चल पाएगी? देखिए अरुण भाई, 2 साल पहले गोवाना में एक बहुत बड़ी रैली हुई थी चूर देवीलाल के जन्मदिवस पर। उसी दिन यहाँ जो झगड़ा हुआ उसी दिन से ही जो है जजपा की नींव पड़ गई थी। उसके बाद जींद में एक बड़ी भारी रैली की और जननायक जनता पार्टी बनी। जननायक जनता पार्टी में सबसे बड़ा चढ़ाव मिला जींद उपचुनाव से। दिग्विजय सिंह ने 37,000 मत प्राप्त करके दूसरे नंबर पर रहे और रणदीप सिंह सुरजेवाला से बहुत ज़्यादा मत ज़्यादा लिए, तो उससे जो है हार कर भी वो जो है चुनाव में बादशाह बन गए और जननायक जनता पार्टी की नींव वहाँ से मजबूत हुई। वहीं पर इंडियन नेशनल लोकदल को केवल 3,000 मत। चौटाला जी राजनीति के बहुत अनुभवी राजनेता हैं, 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और प्रदेश के नंबर को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन उनसे राजनीतिक सोच में गलती हो गई। उन्हें लगता था कि दुष्यंत और दिग्विजय के साथ केवल 200 के 2-3 हज़ार कार्यकर्ता ही जाएंगे, लेकिन पार्टी का जो है अच्छा खासा, यानी मानिए बहुमत में जो कार्यकर्ता थे वो जजपा के साथ चले गए और जो बड़े बड़े नेता और विधायक थे उनको भारतीय जनता पार्टी ले उठी और इंडियन नेशनल लोकदल अकेली रह गई और चुनाव में भी उसके एकमात्र विधायक अभय सिंह चौटाला ही इलाहाबाद से चुनाव जीत पाए और 3-4 विधायक, 3-4 ही जो नेता थे उनकी जमानत बचवाना, सबकी जमानत जब्त हो गई। वहीं दुष्यंत चौटाला ने एक बड़ा दाव खेला पार्टी के चुनाव के लिए। उन्होंने अलग अलग पार्टियों से टिकट न मिलने वाले नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करके उन्हें टिकट दे दी और जहाँ उनके 3 विधायक बनते हुए दिखाई दे रहे थे, जो उनके अपने कैटर के 3 ही विधायक थे, उससे अलग 7 विधायक और चुनाव जीत करे, कुल मिलाकर 10 विधायक जीते। हालांकि वो लोकसभा चुनाव से पहले गौतम साहब को पार्टी में शामिल कर चुके थे और नारनौंद एकमात्र ऐसा विधानसभा क्षेत्र था जहां लोकसभा में हर जगह से हारी, जजपा से केवल एक सीट से लोकसभा में जीती थी और खुद दुष्यंत चौटाला 3 लाख मतों से चुनाव हार गए, लेकिन नारनौंद से फिर भी चुनाव जीत गए थे, तो गौतम साहब का चुनाव जीतना तय माना जा रहा था। फिर जो उन्होंने अलग अलग पार्टी के अलग अलग नेताओं को शामिल करके चुनाव जीता और 10 विधायक बन गए, लेकिन उन सबकी जो है कार्यशैली और राजनीतिक सोच अलग अलग थी। भानुद्या कुंडपा जोड़ा गया था, लेकिन सत्ता के लालच में सभी इकट्ठे हो गए, सभी जो विधायक बन गए, फिर भारतीय जनता पार्टी से समझौता हुआ तो सबको लगा था कि सत्ता में हिस्सेदारी मिलेगी। कॉमन विनियोग प्रोग्राम नाम से भी एक एजेंडा तय हुआ था और बताया गया था 3 मंत्री बनेंगे और लगभग जो 1 दर्जन चेयरमैन बनेंगे, लेकिन 1 साल जाने को है, 1 जो अनूप धानक को मंत्री बनाकर पार्टी ने 1 सीट खाली रख ली और 1 भी चेयरमैन नहीं बनाया। अनूप धानक जी को भी एक ऐसा मंत्रालय देगा जिसमें कुल 35-36 ही एम्प्लॉय हैं और बसदे जो 7 विधायक हैं वो अपने आप को ठगावा महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले जो है जिस दिन दुष्यंत ने शपथ ली थी उसके 2 सप्ताह बाद जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो उन्होंने सभी विधायकों को ब्रेकफास्ट पर बुलाया था और वहाँ उन्होंने जो कहा था कि अनूप धानक जी शपथ लेंगे, 3रा मंत्री बाद में बनाया जाएगा, उसी दिन से सुर बिगड़ गए थे दादा गौतम के और वो जो है मंत्रिमंडल के गठन में भी नहीं गए थे और बाहर पार्क में बैठकर ही अपने कार्यकर्ताओं से रामेश्वरा लेने लगे थे। 25 दिसंबर उन्होंने बम फोड़ दिया था और अपनी पीड़ा व्यक्त कर दी थी और पिछले 8 महीने से वो हर हाल में जो अपनी पीड़ा को व्यक्त करते रहते हैं और दुष्यंत के खिलाफ खुलकर जो है बोलते रहते हैं, कभी उन्हें कोपर कहते हैं, कभी सौदा कुछ नहीं कहते हैं, उनके ये डायलॉग तो गूगल पर भी सर्च करने पर जो है फेमस हो गए हैं। उसके बाद उन्हें एक नोटिस दिया गया डॉक्टर केसी बांगड़ द्वारा जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, ना उन्हें पार्टी से निकाला गया और ना ही वो खुद जो है अलग हुए। उसके बाद पिछले दिनों ही जोगीराम सियाग जी उनके साथ जो है हिसार में गए थे पीटीआई को समर्थन देने के लिए, उन्होंने भी जोंदर खाते सरकार की आलोचना की थी। अब एक जो है बड़ा बम फोड़ा है देवेंद्र सिंह बबली ने। बबली ने कहा कि दुष्यंत सिंह चौटाला का ग्राफ काफ़ी नीचे जा रहा है, उनका ग्राफ गिर रहा है,
उनकी कथनी कथनी में उनकी करनी और कथनी बहुत बड़ा अंतर साबित हो रहा है। वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जननायक जनता पार्टी के 10 विधायकों को बेचा गया है और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ है तो हम अपना नया नेता चुनेंगे। मतलब उन्होंने तो जसपा में फूट की बात स्वीकार कर ली है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि 5 विधायक ओबदीर को, उन्होंने कहा कि 5 विधायक हमारे साथ हैं, 2 विधायकों का और हम समर्थन लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन 7 विधायक हो जाएंगे हम जो है 7 विधायक इकट्ठे होकर अपना नया नेता चुन लेंगे। इसका मतलब ये कि अंदर खाते जसपा में फूट हो रही है और जसपा पार्टी टूट सकती है। वहीं उन्होंने यहाँ तक कहा कि गठबंधन के टाइम जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के नाम पर 3 मंत्री और 1 दर्जन चेयरमैन बनाए जाने थे। अभी तक सारे के सारे मंत्रालय मड़ा इधर 10 क्वेश्चन लिए हुआ है। हमारे ही विधायकों के कारण वो मुख्यमंत्री बना है और अगर पार्टी नहीं संभली तो जननायक जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उन्होंने चेतावनी दिया है। उनकी सबसे बड़ी पीड़ा कांड जो है अरुण भाई ये है कि उन्होंने जो है भारी भरकम नेता और तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराड़ी जी को रहा था और उन्हें लग रहा था कि उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी मिलेगी, लेकिन उनकी जो है वहाँ नगर परिषद तक में नहीं चलती, लोकल थानेदार तक उनकी बात नहीं सुनता, अधिकारी जो है उनकी बात को सीरियस नहीं लेते और उन्हें ना ही जो है चेयरमैन और मंत्री बनाया गया है। 3 बड़े नेता जो खुलकर विरोध कर रहे हैं, तीसरे बड़े नेता रामकण्ड काला, रामकण्ड काला जी ने भी 2 दिन पहले ही खुलकर कहा कि जो 3 अध्यादेश हैं उनको वापस लिया जाना चाहिए, किसानों की मांग मानी जानी चाहिए, जब पूरा हरियाणा से खिलाफ है तो दुष्यंत जी क्यों इसके फेवर में है, उन्हें जो खुलकर बात करनी चाहिए। असलियत में तीनों विधायकों की पीड़ा ये है कि ये तीनों विधायक जो है अपने दम पर विधायक बने हैं। तीनों ने जो है पहले निर्दलीय इलेक्शन लड़ा था। रामकण्ड काला जी ने 2009 में निर्दलीय इलेक्शन लड़ा, तीसरे नंबर पर रहे थे। 2014 में वो इनेलो से 506 मतों से चुनाव हार गए थे और ये चुनाव उन्होंने 37,000 मतों से चुनाव जीता है। काला साहब ने जब 2009 में निर्दलीय इलेक्शन लड़ा तो बेदी साहब ने भी इलेक्शन लड़ा था, भाजपा से 4 नंबर पर रहे थे। उसके बाद बेदी साहब पिछली बार 500+ मतों से चुनाव जीतकर मंत्री बन गए, अब जो है चीफ मिनिस्टर पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं। तो काला साहब को लगता है कि उनकी सत्ता में हिस्सेदारी होनी चाहिए। दूसरा बबली जी ने भी 2014 निर्दलीय इलेक्शन लड़ा था और वो 3 नंबर पर रहे थे। इस बार जो उन्होंने लगभग 50,000 मतों से तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष को रहा है तो वो भी मंत्री बनना चाहते थे। और गौतम साहब ने भी हैवीवेट नेता कैप्टन अभिमन्यु को चुनाव में पराजित किया था। तीनों नेता जो है हारे हुए नेताओं की इनसे ज़्यादा चली हुई है। तीनों पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। 2 नेता तो मुख्यमंत्री बड़े नज़दीकी हैं, बराड़ा साहब और बेदी साहब, और अभिमन्यु उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। तो हारे हुए मंत्रियों की जो कार्यशैली वो भी उनके जो है आगे रोड अटका रही है। अब जो है तीनों नेताओं का अपना भविष्य भी सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर गठबंधन 5 साल रहा तो यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी के तीनों वरिष्ठ नेता जो हारे हैं हर हाल में अपनी सीट में जो इलेक्शन लड़ना चाहेंगे और हो सकता है कि जननायक जनता पार्टी इन तीनों नेताओं का बलिदान कर दे और ये सीटें भारतीय जनता पार्टी को ना दे दे। इसलिए ये लोग जो है इनमें से नेता कांग्रेस के टच में ही बताए जा रहे हैं, क्योंकि अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उन्हें लग रहा है कि वो सत्ता में आकर उनकी नहीं चल रही है, आगे वो कांग्रेस में आकर अपना भविष्य सुधार सकते हैं। और जहां तक जो है पार्टी की फूट की बात है, पार्टी के 5 नेता तैयार हैं, 2 नेता भी अंदर खाते उनका समर्थन कर रहे हैं। पार्टी टूट सकती है लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन्हें जो हरी झंडी नहीं मिली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है मैंने पहले कहा था मानसमार पार्टी है, वो एक नेता नेता नहीं तोड़ती, पूरी पार्टी को हजम करने की फिराक में है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इतना बड़ा प्रेशर दुष्यंत पर बनाया जाए कि खुद दुष्यंत चौटाला ही जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए, ताकि जो है मैंने पहले ही बताया था कि इस पार्टी ने जिस तरह से चौधरी बंसीलाल के नेता और उसकी विचारधारा को निगला, फिर चौधरी भजनलाल के नेता और विचारधारा को निगला, अब ये पार्टी जो है चौधरी देवलाल की जो पार्टी है जिसके ध्वजवाहक हैं दुष्यंत सिंह चौटाला, उसको भी निगलने के चक्कर में है। तो दुष्यंत सिंह चौटाला को निगलने की फिराक में भारतीय जनता पार्टी, तो इसलिए अभी भारतीय जनता पार्टी ने हरी झंडी दी नहीं दी है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के 5 बागी नेता चुनाव जीत कर आए थे, उनमें 4 जो है आज भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने बलराज कुंडू विरोध में है, 4 को चेयरमैन बना दिया गया है, राकेश दौलताबाद भी सरकार के साथ हैं, रणजीत सिंह जो इनको मंत्री बना दिया गया वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, यानी अब भी बहुमत जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। 7 विधायक अगर टूट भी जाते हैं तो उनका जो है भारतीय जनता पार्टी को समर्थन की जरूरत नहीं, और अभी कांग्रेस जो है उन 7 विधायकों के दम पर सरकार नहीं बना सकती। तो अभी जो है पार्टी में फूट की तो चांस हैं, लेकिन उनका जो है अभी टूटना कुछ समय तक मुश्किल लग रहा है। लेकिन एक बात तय है कि जिस तरह से रामकण्ड काला जी ने विरोध किया है, गौतम साहब ने विरोध किया, और जिस तरह से बबली साहब ने कहा कि अगर जननायक जनता पार्टी के नेता नहीं संभले तो वो अपना नया नेता चुन सकते हैं, यानी 6 विधायक इकट्ठे होकर या 7 विधायक इकट्ठे होकर बहुमत के हिसाब से अपना नया नेता चुन सकते हैं और दूसरे चौटाला को हटाकर अपने में एक नेता चुन सकते हैं। यानी उन्होंने ये श्रीराम धमकी दी है और उन्होंने यहाँ तक कहा कि उन्हें जो है हर हाल में एडजस्ट किया जाना चाहिए और उनकी जो है अपने विधानसभा क्षेत्र में खूब जो है चलनी चाहिए। तो इस हिसाब से हमें लग रहा है कि दुष्यंत सिंह चौटाला की पार्टी में जननायक जनता पार्टी में बड़ी दरार आ गई है और जननायक जनता पार्टी किसी भी समय से टूट सकती है।
बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए जो विधायक बनता है, प्रतिनिधि एक क्षेत्र से चुना जाता है, तो ये आशा और उम्मीद होती है कि उस क्षेत्र के लोगों का काम वो करवाए। लेकिन जिस तरह से हैवीवेट नेता, बीजेपी के हैवीवेट नेताओं को हराया गया है, यानी कि मंत्री ही थे तकरीबन सबके सब मंत्रियों को हराया है, तो ऐसे में वो मंत्री कहीं ना कहीं अपने प्रभाव के कारण उन लोगों को किसी भी तरह से सत्ता में एक वो हिस्सेदारी लेने नहीं दे रहे हैं, लोगों के काम नहीं होने दे रहे हैं। कभी उनका नाम ना चमक जाए, जो निर्दलीय विधायक वहां से चुन के गए हैं उनका नाम ना चमक जाए, इसीलिए ये सब रसाकसी का खेल चला हुआ है और ऐसे में जनता पिसने का काम कर रही है। चाहे किसी भी क्षेत्र की बात लगा ले, वहां पे विकास जो है अभी तक रुका हुआ है। और जिस तरह से इन विधायकों की नाराजगी है, इसी को देखते हुए लगता है कि कहीं ना कहीं जननायक जनता पार्टी की मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ सकती हैं। लगातार अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए KNN मीडिया।